अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसा हो? मेरा सब ठीक होंगे। मैं मुज़म्मिल खान, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल फिशिंग व्लॉग। तो मैं पहुंच गया हूं जी हेड लांजू पे। मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यहीं पे सारे लोगों को शिकार लग रहा है और आज मैं भी यहां पे शिकार खेलने के लिए आ गया हूं। तो देखते हैं आज यहाँ पर हमें क्या शिकार लगता है। यहाँ पर एक शिकारी बैठे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ फिर कि कोई शिकार इनको लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिकार तो बहुत लग रहा है, वहाँ पे कुछ शिकारी बैठे हैं, काफ़ी सारे शिकार पकड़े बैठे हैं और पानी तो माशाल्लाह इतना साफ़ है कि यहाँ पे हमें नीचे ज़मीन तक नज़र आ रही है। वो देखो, आपको अंदर गट्टू भी नज़र आ रहा होगा, पानी बिल्कुल शीशा। और यहाँ पे मछली काफ़ी तादाद में खड़ी है। बाकी जो है हमारा नसीब, क्या हमें क्या लगता है, उम्मीद तो अच्छी की है इंशाल्लाह। कीड़ी भी लेके आए हैं, रोटी आटा भी लेके आए हैं। ये तो कहते हैं रोटी आटा भी लगता है, क्या पता हमें कीड़ी के पास ज़्यादा लग जाए। तो आज फिर हम यहीं पे शिकार खेलते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी डोरें डाल दी हैं पानी के अंदर और सामने ही हमें मछलियां बहुत सारी नज़र आ रही हैं। ये पत्थर खड़े हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पत्थर, इनके पास ही तकरीबन 4-5 दाने फिर रहे हैं और हमने दो डोरों के ऊपर लगाई है जी कीड़ी और रोटी। और जो हम बिल्कुल नज़दीक डाल के बैठे हैं जहाँ पे दाने सारे फिर रहे हैं, वहाँ पे हमने रोटी डाल के रखी है, कीड़ी भी। तो देखते हैं जी हमें क्या शिकार लगता है। दाने तो हमारे सामने ही बहुत सामने बिल्कुल खड़े हैं, 3-4 इकट्ठे, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दाने खड़े हैं सामने। एक और माल्टई कलर का है, ऑरेंज कलर का, वो सामने मेरे ख्याल से शायद या गुलफाम का दाना है या कोई लाल रोहू है, ये सामने खड़े हैं। छोटा ही, छोटा ही। बहुत है ये कोई वीडियो। दोस्तों हम काफ़ी देर हो गया है, चाल नहीं हुई और एक दाना सिर्फ लग गया। वहाँ पे सामने भी कुछ शिकारी आ गए हैं, ऊपर खड़ के खेल रहे हैं, काफ़ी देर हो गया। और यहाँ पे दाने कसरत की तादाद से खड़े हैं, नीचे पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे आपको, इतना क्लियर पानी और हमें दाने क्लियर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ही। मैंने यहीं पर डोर डाल रखी और लंबी डोर भी, मैंने जो लंबी डोर डाली थी उसके ऊपर मुझे लगे गुलफाम तकरीबन 1.5 किलो 3 पाव का है। और यहाँ पे दाने बड़े साइज़ के खड़े हैं बहुत ज़्यादा, दो डाल के तो खड़े हैं। यहाँ पे शिकारी भी खड़े हैं, तो देखते हैं जी क्या शिकार लगते हैं बाकी। ये देखें दोस्तों, ये खड़े हैं काफ़ी सारे शिकारी, एक साइड के ऊपर पट्टी लगाई हुई है इन्होंने और दूसरी साइड पे एक बंदा पानी के अंदर जाके एक बड़ी सारी बांस उठाई हुई है और जितने भी अंदर पत्थर के अंदर या साइड पर सुराख हैं उधर मार रहा है और इधर से मछली निकाल रहा है। ये देखें, इन्होंने सामने गट्टू के अंदर एक बहुत बड़ा दाना डाला, तकरीबन 2.5 से 3 किलो का है और इस छोटी सी जगह जब पकड़ा उन्होंने, ये सारे जितने भी सुराख है इस पानी के अंदर सारों के अंदर मछली आ चुकी हुई है। ये देखें इतना गहरा है अंदर से भी ये सुराख के, इतनी तकरीबन 10 फुट की बांस भी अंदर पूरी चली जाती है। दोस्तों ये देखो, ये सामने खड़े हैं जी पट्टी उठा के, ये सारा रात सारा दिन यहीं पे पट्टियाँ लगा रहे हैं और सारी मछली को इन्होंने डरा के रखा हुआ है। अब ये दोबारा हमारे सामने पट्टी लेके जा रहे हैं पानी के अंदर।
ये कल और परसों 2 दिन यहाँ पे बंदों को शिकार बहुत ज्यादा लगे, जिसकी वजह से ये कल रात से यहाँ पे पटिया लेके आए हुए हैं, और इसकी वजह से इन सबको शिकार लगना ही बंद हो गया जो कुंडी पे शिकार खेल रहे हैं। हमें भी बस सुबह से एक दाना लगे और हमारे सामने एक शिकारी बैठा, उसे एक सामने दाना लगा है, बस ये 2 दाने लगे हैं। सारा दिन 10 शिकारी बैठे हैं और कोई शिकार नहीं लगा। ये देखिए सारा दिन पट्टियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, सारी मछली को डराया हुआ है। तो ये देखिए सामने एक शिकारी को दाना लग गया जी, ये सफ़ेद कपड़े वाले भाई को, लगता तो ऐसा है जैसे कोई अच्छा दाना है साइज में। ये किस्मत से ही बस चाल निकलती है अगर निकल भी आए तो। ये देखिए ये सामने दाना है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ का है। ये देखें ये उठा रहे भाई साहब, ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। ये बस इस बाबा जी को लगा है और एक मुझे दाना लगा है बस, बाकी किसी को कोई शिकार नहीं लगा। सारा दिन सारी रात पटिया वाले हैं, सारे ऐसे ही बस हंगामा मचाया हुआ इन्होंने, कोई शिकार का मज़ा नहीं है। ये देखिए ये सामने भाई साहब खड़े हैं 2 दाने उठा के, ये इन्होंने बांस के ज़रिए पकड़े हैं पानी के अंदर जाके। ये देखिए दोस्तों यही हाल किया हुआ है सारा दिन इन मछुआरों ने, ये पानी के अंदर जाते हैं या पट्टियाँ लगाते हैं, सारी मछली को डराया हुआ है, कोई शिकार का मज़ा नहीं है। बस 2 दिन इन्होंने शिकार खेला है यहाँ पे कुंडी वाले ने, अब शिकार का कोई मज़ा नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये देखो ये सारी मछलियाँ जा रही हैं पानी के अंदर, ये ऊंचे पानी में सारी। तो दोस्तों अब हमारी हो गई है जी तैयारी वापसी की, बस 3-4 चालें मिस हुई हैं। सामने बाबा जी को कोई अच्छा दाना लगा है और यहाँ पे एक शिकारी बैठा है वो बिल्कुल ही खाली, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे सामने दोबारा पट्टियाँ लगा के गए हैं, और यहाँ पे जो है मछली तो बहुत खड़ी है लेकिन सिर्फ पट्टियाँ की वजह से और बस दूसरे शिकारी आते हैं पानी के अंदर जाके, जिसकी वजह से हमें कोई भी शिकार नहीं लगा दूसरा। और अब हम आपको दिखाते हैं जी आज की मछली जो आज हमें लगी है, बस किस्मत से एक दाना। तो अब हमारे शिकारी साहब रस्सी खोल रहे हैं जाली की, पानी की कंडीशन तो अच्छी है लेकिन यहाँ पे शिकार नहीं लगता, किस्मत से कोई मुंह मार ले तो मार ले वरना बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी रात पट्टियाँ लगी रहती हैं। ये देखें ये लगा था हमें गुलफाम का दाना, अब इसे जाली से निकालेंगे, यहाँ से खोलो, ये यहाँ से इसको ऐसे खींचो, ये जाली हाथ से बनी हुई है सारी और है भी बड़ी मजबूत। ये पहली दफा मछली हाथ से पकड़ रहे हैं इसलिए इनको थोड़ी सी तंगी हो रही है। ये देखें ये देखें ये है जी गुलफाम जो हमें लगा है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।